हाँ तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं क्रोसर के बारे में। दोस्तों, क्रोसर क्या होता है, कहाँ काम आता है, क्यों यूज करना चाहिए, उसकी प्राइस क्या होती है, सारा इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कहाँ और क्यों अपना क्रोसर जरूरी होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अपन इस जो मैं डायग्राम को बना रहा हूँ, इसको आप मान लीजिए एम्पलीफायर। ठीक है, ये अपना एम्पलीफायर है और यहाँ से आउटपुट आ रही है। अभी यहाँ पर पूरे मतलब सर्किट में कहीं पर भी मैं ग्राउंड की बात नहीं करूँगा, ग्राउंड को मैं नीचे की तरफ दे दूंगा, यानी कॉमन आ जाएगा ग्राउंड में। और बाकी बात करेंगे एक एक मतलब टर्मिनल की। तो दोस्तों, यहाँ से अपन ने एम से पावर ली, तो दोस्तों यहाँ पे जो पावर होगी वो मिक्स होगी, यानी कि यहाँ पे अपने को 20 हर्ट्ज से लेके 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज, ये 20,000 हर्ट्ज यानी कि 2 किलो हर्ट्ज, 2 किलो हर्ट्ज इतनी फ्रिक्वेंसी ये मिक्स में अपने को देता है, यानी कि 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी इसके अंदर मिक्स होती है। यानी कि ये 20 हर्ट्ज पे भी बच जाएगा, कभी कभी 20 किलो हर्ट्ज पे भी बच जाएगा, मतलब कि 2 किलो हर्ट्ज पे भी बच जाएगा, 20,000 हर्ट्ज पे भी बच जाएगा कभी। यार बंद कर। तो ये 20,000 हर्ट्ज पे भी बच जाएगा, कभी भी बच सकता है, 20 पे भी बचेगा, 20,000 पे बचेगा। लेकिन अपने जो आगे ड्राइवर बने हुए हैं वो तो इनके लिए नहीं बने हुए कि कभी 20 पे बच जाएंगे, कभी 20,000 पे बच जाएंगे। ड्राइवर तो परफेक्ट उनकी कुछ रेंज है उसके हिसाब से ही बने हुए हैं। जैसा कि अपन सबसे पहला इधर ट्विटर की बात करते हैं, सारा आपको मैं समझाने वाला हूँ, वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा लेकिन इसमें आपका डाउट जरूर से क्लियर मैं कर दूंगा। दोस्तों, ये ट्विटर होता है, इसको बोलते हैं हाइस। इसका जो फ्रिक्वेंसी रेट होता है वो होता है 2,000 हर्ट से लेके 20,000 हर्ट्स तक। यहाँ मैं एक और जीरो डाल देता हूँ। तो दोस्तों, ये होता है ट्विटर का फ्रीक्वेंसी रेट। अब ट्विटर है जो ट्विटर को 2,000 से नीचे का फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है। अगर ट्विटर को आप 100 हर्ट्ज दे रहे हो, 200 हर्ट्ज दे रहे हो, 500 हर्ट्ज दे रहे हो, तो ट्विटर उसको कुछ काम नहीं लेगा, वो बहुत ही बेकार आवाज़ निकालेगा उसके लिए। और अगर आप उसको 2,000 से ऊपर का फ्रीक्वेंसी दे रहे हो तो वो उसके लिए परफेक्ट आवाज़ निकालेगा। तो दोस्तों, अगर ऐसा है तो यहाँ पे क्यों ना ऐसा कुछ बनाया जाए जो कि ट्विटर को केवल 2,000 से लेके 20,000 के अंदर का ही फ्रीक्वेंसी अपने को देवे। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट मिड पे। ये अपना मिड का स्पीकर, मिड को ज़रूरत पड़ती है 300 हर्ट्ज से लेके, यहाँ पे कुछ आप देख लीजिए अंदाजन 3,000 हर्ट्ज, इतना ही ज़रूरत पड़ता है मिड को। अगर आप मिड को यहाँ पे 100 हर्ट्ज निकाल के दे रहे हो, या फिर आप मिड को 8,000 हर्ट्ज निकाल के दे रहे हो, एम्पलीफायर तो निकाल के दे देगा, उसका कोई नहीं है, वो मिक्स में निकाल के दे देगा, लेकिन उसको इस कंपोनेंट को उसका ज़रूरत नहीं है, तो वो उसको हीट के रूप में बाहर निकालेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर यहाँ पे आपको 100 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी मिलती है तो दोस्तों ओनली डिवाइस हीट होगा, ना वो उस फ्रिक्वेंसी को प्ले करेगा और ना कुछ होगा, केवल डिवाइस जो है हीट होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ ऐसा बनना चाहिए कि जो इसको भी और इसको भी, यानी कि दोनों को जो इनको ज़रूरत है वो फ्रिक्वेंसी निकाल के देवे। अब चलते हैं वूफर पे। वूफर को चाहिए होती है 20 हर्ट्ज से लेके 300 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी। ये अपना वूफर 20 हर्ट्ज से लेके 300 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी वूफर को चाहिए। आप वूफर को अगर 1,000 हर्ट्ज निकाल के दे रहे हो तो वूफर उसका क्या करेगा, वो ना उसको प्ले कर सकता है और ना वो वूफर ट्रेबल निकाल सकता है। वो बजेगा ज़रूर से लेकिन वो ना तो ट्रेबल निकाल सकता है ना उसको प्ले कर सकता है, तो वूफर को उसका ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर अपन एक अपन यहाँ कैपेसिटर डाल देते हैं, ठीक है, ये कैपेसिटर अपने डाल दिया जो कि इसकी जो हाइस है उसी को कैप्चर करेगा, यानी कि वॉइस को बिल्कुल दबा देगा, ओनली हाइस कैप्चर करेगा। और यहाँ पे अपन एक कॉइल को इधर ग्राउंड कर देते हैं, अगर कॉइल ग्राउंड हो गया तो कुछ वॉइस आएगा भी सही, जो कि लो वाला है उसको ये कॉइल ग्राउंड में है वो उसको बेस को बिल्कुल ख़त्म कर देगी। तो यहाँ पर कुछ ऐसा सिस्टम हो जाएगा तो ये हाइस के लिए अच्छा हो जाएगा। अगर यहाँ पर अपन कुछ एक कॉइल डाल देते हैं और एक कैपेसिटर इसी के साथ इधर पैरेलल में डाल देते हैं, तो दोस्तों ये जो होगा सेटअप, ये इसको केवल अपने को 300 से 3,000 हर्ट्ज ही देगा, न 3,000 से ज़्यादा निकाल के देगा, न 300 से कम निकाल के देगा। तो दोस्तों, मिड उस पर कितना अच्छा बजेगा आप भी उसका अंदाज़ लगा सकते हैं। अगर नीचे चलते हैं, नीचे 20 हर्ट्ज से लेकर 300 हर्ट्ज अपना मिलता है, तो अगर आप यहाँ पर 20 हर्ट्ज से 300 हर्ट्ज तक का ही सिस्टम दे, जैसे कि यहाँ पर मैं दो कॉइल डाल देता हूँ, एक कॉइल ये निकाल दी, एक पैरेलल में को डाल दी अपने इधर कॉइल, दो कॉइल मैंने इधर डाल दी, तो दोस्तों यहाँ पे हाई नोट्स बिल्कुल कट जाएंगे, मिड भी बिल्कुल कट जाएगी, ओनली लो लोड निकल के आएंगे, यानी कि लो नोट्स, पूरे लो नोट जाएंगे। ऊपर वाले के लिए पूरा हाई आएगा, इसके लिए पूरा मिड आएगा, उसके लिए पूरा लो आएगा। अगर ऐसा सिस्टम बन जाए तो कितना ज़्यादा अच्छा होगा। तो दोस्तों, ऐसा सिस्टम बन चुका है, उसी को बोलते हैं क्रॉस ओवर, और वही पैसिव क्रॉस ओवर है। ऐसा एक्टिव वाला भी आता है, उसके सिस्टम अलग आएंगे, वो अभी बात नहीं करते, वीडियो बड़ा हो जाएगा। अभी अपन केवल पैसिव की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये सिस्टम के लिए बना हुआ एक प्लेट आता है, वापस मैं समझा देता हूँ। ये अपना प्लेट है,
यहाँ पे आपको एक मिलेगा कॉमन वायर, एक मिलेगा हाई के लिए, एक मिलेगा लो के लिए, एक मिलेगा मिडी के लिए। यहाँ पे इनका कुछ सेटअप इस टाइप से डिज़ाइन होता है पीसीबी का कि यहाँ पे आप जिसको दो इनपुट दे दोगे, जैसे कि ये जो पावर की वायर है ये एम्पलीफायर से अगर आप इधर डाल दोगे जो कि कितना है 20 हर्ट्ज़ से लेके 20 किलो हर्ट्ज़, ठीक है 20 किलो हर्ट्ज़ का फ्रिक्वेंसी जो कि आपने इधर यहाँ पर डाल दिया, और ये फ्रिक्वेंसी इधर बट के आ जाएगा किस टाइप से आएगा, ये अपना कॉमन निकल गया। अगर ये हाई मानते हो तो यहाँ पे आपको ये वाला फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा 2000 से लेके 20000 का फ्रीक्वेंसी इस पॉइंट पे मिल जाएगा, और अगर इधर आप ये अपना मिड मानते हो तो दोस्तों 300 से लेके 3000 का फ्रीक्वेंसी आपको ये इस पॉइंट पे मिल जाएगा, और दोस्तों यहाँ पे अगर आप लो मानते हो तो 20 से लेके 300 का फ्रीक्वेंसी आपको ये इस पॉइंट पे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इस अगर सेटअप से आप इसको अपना एम्पलीफायर को प्ले करते हो तो दोस्तों क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा सुधर के आएगी। तो दोस्तों ये होता है क्रॉस ओवर, और ये क्रॉस ओवर का यूज़ और किस टाइप से काम करता है पूरा मैंने समझाया। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो कमेंट करना वीडियो के अंदर, जरूर से मैं रिप्लाई दूंगा कि क्या जो प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है। और अगर आप कुछ मतलब कि पूछ सकते हैं कि यार भाई ये तो तुमने बता दिया ये कैसे होता है ये समझा, तो वो भी मैं कमेंट के अंदर आपको रिप्लाई भी दे सकता हूँ और आपको अगला वीडियो उसके ऊपर भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों यही था वीडियो, वीडियो अगर पसंद आया तो जरूर से लाइक करना, चैनल में जरूर से सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने के लिए मैं बहुत बोल रहा हूँ क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ही कम जने जो है लोग बाग करके जाते हैं, 97% अभी ऐसे मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ जो कि केवल चैनल पर आते हैं वीडियो देख के खिसक जाते हैं, कोई उनको लेना देना नहीं सब्सक्राइब लाइक वीडियो से, कोई लेना देना नहीं, बस सब्सक्राइब कोई लेना देना नहीं है, केवल वो देख के रवाना हो जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं करिए, आप जरूर से थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, मैं ऐसे ही बढ़िया बढ़िया आपके लिए वीडियोस लेते आता रहूँगा। तो दोस्तों मेरा नाम है चिराग और आप देख रहे हैं डीजे गुरु चिराग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसा ही वीडियो मैं आपके लिए जरूर से लेके आऊँगा। ये था पैसिव, अगला वीडियो एक्टिव पर मैं बना दूंगा।